हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, लास्ट 10 डेज रिमेनिंग फॉर नीट, धड़कनें तो बढ़ रही होंगी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन दीज रिमेनिंग 10 डेज, है ना। अब तुम्हारी मंजिल तुमसे सिर्फ 10 दिन दूर है, ठीक है। नीट 10 दिन बाद होने वाला है, तो कोई गलती नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, अपनी तरफ से 100% देना है। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो करना है ताकि थोड़े बहुत नंबर इंक्रीज हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू में एक चीज़ जो मैं हमेशा 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 बोलती आ रही हूँ, नीट के मॉक टेस्ट देते रहो, देते रहो, देते रहो। और ऐसा नहीं है कि उसके सॉल्यूशन देख के करो, प्रॉपर 3 घंटे 3.25 घंटे लो और मॉक टेस्ट दो, फिर उसको 2 घंटे में एनालाइज करो, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि तुमने सिले मिस्टेक्स कितने किए और तुमने कितना, तुम्हारा एक्यूरेसी कितना है, कितना, ठीक है। और सिले मिस्टेक किए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिले मिस्टेक कर ली है तो मेन नीट में नहीं करोगे। जितना ज़्यादा घर पे कर लोगे ना, उतना मेन एग्जाम में मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका ओवरऑल रिवाइज हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, एनसीईआरटी पढ़ो और उसके डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स की लेबलिंग ज़रूर देखो, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखें तो वो जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम्स का, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में याद नहीं आता कौन सा आउटर लेयर है, कौन सा इनर लेयर है। तो एक बार डायग्राम्स को भी अच्छे से देखते चलो और रीडिंग करते चलो, रीडिंग करते चलो, बाकी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी बना के रखना है कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ था, ताकि उस सेंटेंस से क्वेश्चन आए तो फटाफट से कर लो। बिल्कुल याद होना चाहिए, वहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मैं ये बोलूँगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक दिन 7-8 घंटे दे दो और पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज करो एनसीईआरटी से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो पीरियोडिक टेबल है ऑब्वियसली वो तो करते हैं। एंड फुल एनसीईआरटी रिवीजन होना चाहिए। लाइक एनसीईआरटी में हम हमारा जो ट्रेंड दिया होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक प्रॉपर्टी, वॉट एवर जो भी ट्रेंड है एनसीईआरटी में, उसको एक बार अभी नीट से हफ्ते 10 दिन पहले देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसी के लिए होता है कि अगर अभी देखे रहोगे, लास्ट में 1-2 दिन बाद और रिवाइज करोगे, वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा कि ये लगाए या ये लगाए, उसमें आपको तुरंत आंसर याद आएगा कि यस, ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक खत्म हो जाए उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए आई विल से कि सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लो अभी के लिए। 10 डेज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का बता रही हूँ। तो इनऑर्गेनिक अपना एनसीईआरटी से पूरा हो गया है, फिजिकल के लिए पूरा एग्जाम्पल, सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, जितने भी चैप्टर है 11th एंड 12th के मिला के एनसीईआरटी खोलो, उसके एग्जाम्पल देखो, पहले खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देख के, उसके बाद सॉल्यूशन एक बार देख के मिला लो कि हाँ तुम्हारा अप्रोच सही था। अगर तुम्हारा तरीका उससे ईजी है तो अपने तरीके से करो, नहीं तो जो सॉल्यूशन बुक में मेंशन है उससे कर लो, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पूरे सॉल्व होने चाहिए, याद होना चाहिए, है ना, याद हो ही जाता है। एक बार करोगे फिर एग्जाम से 1 दिन पहले और देख लोगे पलट के, तो इट विल बी इन योर मेमोरी, ठीक है। कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक के लिए मैं पर्सनली अपने कोचिंग नोट्स पे ज्यादा रिलाई करती थी, तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम्हारे खुद के नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, तो उससे रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर होता है। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स आई टोल्ड यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 2019 से लेकर 2023 तक। अगर वो हो गया है तो जब से नीट हो रहा है, लाइक 2013 to 2018, इनके भी फिजिक्स के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पेपर्स भी हैं, लाइक समथिंग 2015 और 16 में एक बार, दो बार नीट हुआ था, तो वो दोनों पेपर का। एक बार कभी कर्नाटका में ड्यू टू इलेक्शन नीट थोड़े दिन बाद हुआ था, ऑल इंडिया नीट के बाद कुछ दिन बाद कर्नाटका में नीट हुआ था, तो वो पेपर भी सॉल्व करो, कर्नाटका और केरला समथिंग, है ना। तो जितने नंबर ऑफ पेपर्स आप कर लोगे तो कॉन्सेप्ट उनमें से ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आएगा। तो ऐसा है कि आप इजिली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। और हाँ, एक नई चीज़ है कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में। तो उसके लिए क्या करना है, फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं थ्योरेटिकल हैं, उनसे असर्शन रीजन आ सकते हैं। लाइक यूनिट एंड डायमेंशन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन कुछ ना, मैंने देखा है कि रोटेशनल मोशन या जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल, इनसे भी असर्शन रीजन आ सकते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो आपके पास कोई भी बुक हो या मॉड्यूल हो जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लाइक रोटेशनल, यूनिट एंड डायमेंशन, थर्मोडायनेमिक्स, इन सारे से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट भी आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। एंड सेम अबाउट मैग्नेटिज्म, तो इन 4-5 चैप्टर के अगर आप थोड़े असर्शन रीजन क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में है वो कर लो, हर चैप्टर पे आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक देख के, तो एक दिन में हो सकता है। और दिन भर में आपको मिनिमम
12 to 14 आवर्स पढ़ने हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर पे बिल्कुल बोझ बना के कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, दिमाग में कुछ जाए या ना जाए बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोकस के साथ अपने मंजिल को याद करके, ठीक है, आपकी मंजिल आपसे सिर्फ 10 दिन दूर है, 10 दिन बाद आप डॉक्टर बनने का एग्ज़ाम देने वाले हो और इंशाल्लाह डॉक्टर बन भी जाओगे, आपकी मेहनत रहेगी। देखो मेहनत किसी की वेस्ट नहीं होती, अगर आपने शुरू से मेहनत किया है, आप डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ सीट। और कुछ लोग लक वाले होते हैं कि उन्होंने थोड़ा कम पढ़ाई की है फिर भी वो दिन उनका है, लकी दिन है, तो वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट डोंट्स, क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नींद अच्छे से लेना है। आई विल से कि आप 8 घंटे सो, जितना सोओगे, अब बाहर मत जाओ, कोचिंग मत जाओ, सोओगे दिमाग रिलैक्स करेगा, जो भी आप दिन भर में पढ़ोगे उसको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेगा, तभी तो आपको नीट में याद आएगा। इट डजेंट मैटर कि आपने कितना पढ़ लिया, इट मैटर्स कि कितना रिटेन किया, और रिटेन करने के लिए ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्लीप। स्लीप सो रहे हो मान लो 6-7 घंटे रात में सो लिए, दोपहर में एक नैप ले सकते हो या दोपहर में 1-1.5 घंटे सो सकते हो, ठीक है। तो बहुत छोटा छोटा नैप नहीं लेना चाहिए, लाइक 30-45 मिनट नहीं, या तो 15-20 मिनट का नैप ले लो या फिर 1-1.5 घंटे का नैप लो, उसके बीच में मत रखो। यू नो एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स का होता है, तो अगर आप 90 मिनट सो रहे हो इट्स ओके, उठने के बाद पैनिक नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सो लिया, उसके बाद कॉम्पेंसेट कर लो, ठीक है। सेकेंड चीज़ डोंट है कि खाना नहीं छोड़ना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम चावल नहीं खाएंगे हमें नींद आएगी या जो भी, ठीक है चावल छोड़ दो, लेकिन खाना अच्छे से खाना है, भूखे नहीं रहना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मैं बता दे रही हूँ, वॉलनट्स खाओ, आमंड्स खाओ, इनको रात में भिगा दो, सुबह खा लिया करो, अच्छा इफेक्ट देते हैं, ठीक है। ड्राइड है अभी भी खाती हूँ। एंड हाउ टू रिवाइज केमिस्ट्री इन वन डे, अगला व्लॉग आने वाला है, और उसके अलावा और भी कुछ काम की चीज़ें बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं तो चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बनो, और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि यू गॉट सेलेक्टेड,